तो परचेज सेल में भी टीडीएस आ गया। तो भाई जो जॉब वर्कर वाली ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आप परचेज सेल में तब्दील करने की कोशिश करिए। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे मुझे एज ए टर्नओवर दिखाना है, नो प्रॉब्लम्स। मुझे उसे इनपुट क्लियर एज सच दिखाना है, नो प्रॉब्लम्स। सेम चीज फॉर योर कस्टमर्स ऑल्सो। आपके जो कस्टमर आपसे जॉब वर्क करवाते हैं, कोशिश करिए जॉब वर्क वाली प्रॉब्लम से बाहर निकलने की। ये मेरा सजेशन, आपको फायदा होगा। ये आइडिया है काम बेटर करने का, ये आइडिया है काम इजी करने का, ये आइडिया है रिकंसिलेशन को आसान और रिड्यूस करने का, ये आइडिया है प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने का। तो आओ इन बेनिफिट्स को लेने की कोशिश करें। पहली बात, लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट। द फैक्ट इज गुड्स की परचेज के ऊपर भी टीडीएस स्टार्ट हो रहा है। मार्क माई वर्ड्स वंस अगेन, बजट 2021 में ये चीज आ चुकी है कि इफेक्टिव फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 21, एक अप्रैल से नहीं, एक जुलाई से अगर कोई पर्सन बायर है और किसी विद इन इंडिया रेजिडेंट से परचेज ऑफ गुड्स कर रहा है 50 लाख से ज्यादा, तो उसको 0.1% टीडीएस काटना होगा। सर्विसेज पे होता था, कॉन्ट्रैक्टर्स पे होता था, रेंट पे, इंटरेस्ट पे होता था, गुड्स पे हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, अब वो भी शुरू हो गया। तो भाई हम आपको एक इस नए सिचुएशन में क्या कर सकते हैं वो सलूशन आपको देना चाहते हैं। तो मैं संगीत गुप्ता आपको सेकंड फैक्ट देना चाहता हूं कि जीएसटी के लॉज मोर एंड मोर स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, ये एक रियलिटी है। तो बिल ऑफ मटेरियल को आप कितनी तरह से मैनेज करते हैं, आपके स्टॉक रिकॉर्ड्स कैसे हैं, आप ITC 04 को किस तरह से अमल में लाते हैं, ये जो वीडियो है ये जॉब वर्क वेंडर्स और जॉब वर्क कस्टमर, यानी कस्टमर के लिए जॉब वर्क करना और वेंडर से जॉब वर्क करवाना, इस रिलेशन को बेटर करने का, स्मूथ करने के तरीकों के ऊपर फिनसिस और फिनसिस के कंसल्टिंग डिवीजन मेकिंग बिजनेस बेटर ने बनाया है आपके लिए, आपके समक्ष, आपके साथ। तो परचेज सेल में भी टीडीएस आ गया। तो भाई जो जॉब वर्कर वाली ट्रांजेक्शन है उनको आप परचेज सेल में तब्दील करने की कोशिश करिए, स्पेशली अगर वो प्रोडक्शन जॉब वर्क, अगर वो रिपेयर ऑफ अ इक्विपमेंट है, रिपेयर ऑफ अ मोटर है, वो तो चलो जाने दीजिए, जो है कोई बात नहीं। मगर अगर वो एक परचेज सेल जैसा प्रोडक्शन एक्टिविटी है कि आप लेटर से पेपर भेज रहे हो, उसकी प्रिंटिंग करवा रहे हो, वापस ले रहे हो, रॉ मटेरियल आप दे रहे हो, कास्टिंग करवा रहे हो, वापस ले रहे हो, प्लास्टिक दाना दे रहे हो, मोल्डिंग करवा के वापस ले रहे हो, अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है तो इवेलुएट करिए। अगर एक रीजनेबल वैल्यू एडिशन हो रही है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अपना झंझट खत्म करो, रॉ मटेरियल खरीदा, वेंडर को दे दिया, डायरेक्टली थर्ड पार्टी से बिलिंग करवानी है तो ऑथराइज वेंडर कंसेप्ट ले आओ। अगर लगता है वेंडर गोलीबाजी करेगा, गलत माल यूज करेगा, थर्ड पार्टी से खरीदेगा, तो आपको भैया माल में मैं बेचूंगा तेरे को, जितना रॉ मटेरियल तेरे को चाहिएगा उतना मैं दूंगा कैलकुलेशन के हिसाब से। तो लेटस से हर महीने मैं तेरे को 15 टन माल भेज दूंगा, और 15 टन लेट्स 5% बर्निंग लॉस या 5% इवेपोरेशन या जो भी आपका नॉर्म है उसके हिसाब से, इतने का मुझे FG तेरे से बिलिंग चाहिए। जो आउटपुट है तेरा वो मैं जॉब वर्क बिलिंग नहीं लेऊंगा तेरे से, मैं तेरे से आउटपुट बिलिंग लेऊंगा, सेल बिलिंग लेऊंगा। GST दोनों केस में है, TDS दोनों केस में है। तो रिकंसिलेशन का झगड़े से तो बाहर आइए। मैंने तुम्हें माल क्लियर करके दे दिया और मेरी सेल हो गई, तुम्हारे यहां से मेरे पास माल आ गया, मेरी परचेज हो गई। माल भेजते हुए भैया मैं जैसे भेज रहा हूं, अगर कोई क्वालिटी प्रॉब्लम है तो बता दो, बाद में मैं नहीं सुनने वाला। मैंने एज अ वेंडर तुम्हें माल दिया, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे मुझे एज अ टर्नओवर दिखाना है, नो प्रॉब्लम्स। मुझे उसे इनपुट क्लियर एज सच दिखाना है, नो प्रॉब्लम्स। दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे आप और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर सोचें। GST के लिए टर्नओवर है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, डर किस बात का, ये GST का टर्नओवर है। आप थर्ड पार्टी से खरीद रहे हैं, अपने प्राइस पे खरीद रहे हैं, उसे फिक्स प्राइस पे आप वेंडर को बेचते जाइए, और वेंडर से माल को आउटपुट फॉर्म में प्रोडक्शन के बाद प्लास्टिक दाने से कंपोनेंट बन गया, डिफरेंट कंपाउंडिंग कंपाउंड से उसका कंपाउंडिंग के बाद आपने मोल्डिंग एक्सट्रूजन करवा ली, प्रिंटिंग के लिए आपने कागज उसको बेच दिया और उससे प्रिंटेड बुक्स खरीद ली, दैट इज बेटर। सेम चीज फॉर योर कस्टमर्स ऑल्सो। आपके जो कस्टमर आपसे जॉब वर्क करवाते हैं, कोशिश करिए जॉब वर्क वाली प्रॉब्लम से बाहर निकलने की। ये मेरा सजेशन, आपको फायदा होगा। तो थिंक अबाउट इट। संगीत गुप्ता, न्यू दिल्ली, इंडिया। फिनसिस और मेकिंग बिजनेस बेटर
जुड़ा हुआ है लगभग 800 फैक्ट्रीज के साथ पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, सऊदी अरेबिया, दुबई, अंगोला, कॉन्गो, मॉरिशस, यूएसए और यूरोप तक। लोग कहते हैं कि आपके आइडियाज़ अच्छे होते हैं, आपके SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के जो आइडियाज़ हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। आप इतनी कंपनीज के साथ काम कर चुके हो कि आपके आइडियाज़ में दम होता है, आपके सॉल्यूशन प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देते हैं, उनको कोप अप करने का सॉल्यूशन दे देते हैं। सो फिनसिस ERP बनाता है, इम्प्लीमेंट करता है और मेकिंग बिजनेस बेटर उनको MIS की फॉर्म में आपको पेश करता है। MIS सर्विसेज हम देते हैं, कुछ लोग हमें आउटसोर्स कर देते हैं अपना GST, TDS, अकाउंटिंग, MIS के एरियाज़। सो फिनसिस और मेकिंग बिजनेस बेटर आपकी सेवा में हमेशा।